नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। ये बात है 2016 की, जब सपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तब यूपी के मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। विदेश से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने वाले अखिलेश की राजनीति नेताजी की राजनीति से अलग रूप ले रही थी। वो राजनीति में साफ छवि, लैपटॉप और अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे थे, जबकि उनके पिता अंग्रेजी और कंप्यूटर के खिलाफ रहे थे। अखिलेश एक अलग रणनीति बनाकर काम करना चाह रहे थे। उनका सोचना था कि पार्टी में दबंग और माफिया डॉन टाइप के लोगों को बढ़ावा ना दिया जाए। राजनीति में भ्रष्टाचार और गुंडाई के खिलाफ अपनी रणनीति को लेकर अखिलेश यादव अपने ही घर में लड़ाई लड़ रहे थे। ये वो वक्त था जब मुलायम के परिवार और पार्टी में पहली बार टकरार हुई थी। इसी बीच चुनाव का समय नजदीक था, तभी सियासी गलियारों में खबर उड़ी कि मुख्तार अंसारी अपनी पार्टी कौमी एकता दल का सपा में विलय करना चाहते हैं। मुख्तार ने शिवपाल यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौमी एकता दल के सपा में विलय की घोषणा की थी। तब अखिलेश यादव चाचा शिवपाल और माफिया मुख्तार अंसारी के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए थे। उस समय यही अखिलेश यादव सपा में आपराधिक छवि वाले मुख्तार अंसारी और डीपी यादव जैसे अपराधियों को पार्टी में नहीं रखना चाहते थे। यही नहीं, गाजीपुर में कौमी एकता दल की रैली में अखिलेश यादव ने जाने से इनकार कर दिया था। अखिलेश यादव और उनके समर्थकों के भारी विरोध के कारण इस विलय को खारिज करना पड़ा था। शिवपाल के मुखर होकर राम गोपाल यादव ने खुला ऐलान किया था कि मुलायम सिंह यादव ने मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का विलय खत्म कर दिया है। मुख्तार अंसारी को लखनऊ से वापस आगरा जेल भेजने का फैसला भी लिया। एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। जिस मुख्तार अंसारी को अखिलेश बुरा भला माफिया कहते थे, आज उन्हीं के सबसे करीब बनने की जुगत में है। यहां तक कि अब अंसारी परिवार अखिलेश को मुस्लिमों का मसीहा तक लगने लगा है। इस बात को खुद उन्होंने गाजीपुर पहुंचकर कहा, जब वो मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने गए थे। वैसे देखा जाए तो नेता चुनाव डाकू माफिया और गैंगस्टर का गठजोड़ हमेशा से रहा है। इन्हीं सम के दम पर सरकारें बनती रही हैं और अखिलेश भी माफिया की मौत पर सहानुभूति के जरिए मुस्लिम वोटों पर नजरें टिकाए हुए हैं, जिसके लिए अखिलेश बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसे ही नहीं, अखिलेश अंसारी परिवार के करीब हो रहे हैं। इसके पीछे भी वजह भी है। दरअसल गाजीपुर मऊ आज सबसे जो अगर हम बात करें आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के बड़े हिस्से में अंसारी परिवार का दखल है। सभी धर्म और जाति के लोग बड़ी संख्या में परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही मुस्लिम वोट बैंक भी अहम फैक्टर है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के साथ ही ओवैसी की पार्टी भी अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी से मुकाबले में मुस्लिम वोट बैंक यूपी में विपक्षी दलों के लिए अहम साबित होता है। भले ही मुख्तार खुद कभी सपा में शामिल नहीं हुए, लेकिन वो निर्दलीय बसपा और कौमी एकता दल के टिकट पर ही मऊ से विधायक चुने जाते रहे। बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी और फिर उनके बेटे सुहैब उर्फ मन्नू अंसारी सपा के टिकट पर मोहम्मदाबाद से जीत कर आए। सपा ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से सीट से उम्मीदवार बनाया। इससे पहले अफजाल बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। एक बार अखिलेश ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। अब वो जीत का परचम लहराते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मुस्लिम वोट बैंक सपा के पाले में कितना आता है, ये भी वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।